मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये ज्ञानियों के जीवन में दिखाई देने वाले गुण हमारे में भी प्रकट हो जावे। हे महावीर स्वामी, आप में जैसी वितरागता, आप में जैसी सर्वज्ञता, आप में जैसे अनंत गुण, अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं, वे ही मेरे भीतर भी प्रकट हो जावे, ऐसी भावना रखने वाले साधक की क्या स्थिति होती है, उसकी चर्चा भी यहाँ की गई। बहुत सुंदर साधक की चर्चा यहाँ हुई। अब वो जीव जब साधना करते हुए अपनी साधना के चरम स्तर पर पहुँचता है और केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है, तो उसके ज्ञान में क्या क्या झलकता है वो यहाँ देख रहे हैं। यह है जम्बूद्वीप, और जम्बूद्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए लवण समुद्र। इन दृश्यों को हमने सुबह आपके बीच में देखा है। आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ते चले गए थे और आगे बढ़े, तो ये जम्बूद्वीप की रचना किस प्रकार की है, जिन लोगों को ये रचना ध्यान में होगी उन्हें तो निश्चित रूप से बड़ा आनंद आएगा, और जिन्हें ये स्वरूप ख्याल में नहीं है उन्हें इतना ख्याल में आएगा कि कुछ है। माने जैन दर्शन के हिसाब से केवल ज्ञानी परमात्माओं के द्वारा कोई पिक्चर खींची गई है। देखिए, सुमेरु पर्वत के दृश्य दिखाने के प्रयास किए थे, और नज़दीक जाते हुए भद्रसाल वन, फिर ये नंदन वन, फिर ऊपर चले तो सोमनस वन के चैत्यालय, फिर पांडुक वन, और इस पांडुक वन में भी चारों तरफ जिनालय और चार विदिशाओं में शिलाएं। इन शिलाओं के ऊपर बाल तीर्थंकरों के जन्माभिषेक। इस मेरु पर्वत पर बीच में है चूलिका जो 40 योजन की है, और इस चूलिका को हमने बारीकी से देखा, इस शिला को हमने बारीकी से देखा, चैत्यालय के संदर्भ में थोड़ी बहुत चर्चा की। इस चूलिका से एक बाल के अंतर से ऊर्ध्व लोक माने देवलोक की शुरुआत होती है। यह सुमेरु पर्वत हमें क्या संदेश देता है, यह चर्चा भी हमने सुबह आपके बीच में की थी। ये जितना बड़ा सुमेरु पर्वत है, जितनी हाइट है, उतना ही हमारा जम्बूद्वीप है। थोड़ी बहुत चर्चा हम यहाँ ऐसी करना चाहते हैं कि हम जिस जम्बूद्वीप में रहते हैं उस जम्बूद्वीप की रचना कैसी है, उस जम्बूद्वीप में क्या क्या है, उसे हम थोड़ा सा देखते हैं। यह जम्बूद्वीप गोलाकार है, असंख्यात द्वीप समुद्रों में पहला द्वीप है, थाली के आकार का है। बाकी के जितने द्वीप समुद्र हैं वो सब चूड़ी के आकार के हैं। आप अंतर जानते हैं चूड़ी में और थाली में क्या अंतर है? चूड़ी बैंगल तो पहनते हैं, चूड़ी थाली जो होती है उसके बीच में गैप नहीं होता, और जो चूड़ी होती है वो चारों तरफ होती है, बीच में कुछ नहीं होता। तो जम्बूद्वीप तो थाली जैसा है, लेकिन लवण समुद्र चूड़ी जैसा है, चारों तरफ है। धात की खंड द्वीप उसके भी चारों तरफ है, चूड़ी के आकार के हैं सभी द्वीप और सभी समुद्र, दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। पहले द्वीप में, जम्बूद्वीप में हम लोग रहते हैं, लेकिन इस जम्बूद्वीप में भी क्या क्या है, 6 महापर्वत हैं इस जम्बूद्वीप में। सबसे पहला पर्वत, देखिए थोड़ा साइड एंगल से लेता हूँ मैं, यहाँ एक पर्वत है
ये पर्वत है हिमवन नाम का पर्वत, हिमवन पहला पर्वत। 100 योजन की हाइट है इस पर्वत की, हाइट 100 योजन है। अब हम उसको क्या दर्शाएं यहां छोटे से चित्र में, 100 योजन की हाइट और 1052 योजन का विस्तार इस पर्वत का, 1052, 38/52, 19/56, 56, 526 सही, 6/19, तो 526 सही, 6/19, तो 12/19 आएगा, 1052 सही, 12/19 विस्तार है इसका। अभी देखो बीच में एक सरोवर दिख रहा है, यहां से कुछ नदियां बहती हुई दिखाई दे रही है। जैसे ये हिमवन नाम का पर्वत है, उसी तरह से एक दूसरा और पर्वत है इसी जम्बूद्वीप में। जम्बूद्वीप तो गोलाकार है, गोल है, और पर्वत पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए हैं। पहला हिमवन पर्वत, दूसरा है महाहिमवन नाम का पर्वत। इस पर्वत के ऊपर भी सरोवर है और यहां से भी नदियां बह रही है, महाहिमवन पर्वत। इसके आगे चले हम तो एक है निषद नाम का पर्वत। तीन पर्वत हो गए, ये साउथ साइड में है, दक्षिण में है, नीचे की तरफ है। हम लोग यहाँ रहते हैं इस हिमवन पर्वत के दक्षिण दिशा में, यहाँ भरत क्षेत्र है। अभी हम यहाँ तक पहुंचेंगे, पहले थोड़ा सा एक बार हम इस जम्बूद्वीप की रचना को देख लेते हैं कि इस जम्बूद्वीप में क्या क्या है। तो तीन पर्वत हो गए, हिमवन, महाहिमवन और निषद। इसके बाद में सुमेरु पर्वत और गजदंत को क्रॉस कर सामने एक और चौथा पर्वत है। ये इस साइड से हम पिक्चर लेंगे तो दिखेगा नहीं, इसलिए मुझे ये इस साइड से माने नॉर्थ की तरफ से पिक्चर लेनी पड़ेगी। कुछ समझ में आ रहा है? यहां से हम लेते हैं तो हिमवन उससे बड़ा क्षेत्र है, फिर महाहिमवन फिर बहुत बड़ा क्षेत्र है, फिर निषद नाम का पर्वत। ये निषद पर्वत भी जो है ये तपाए हुए स्वर्ण जैसा है, इन सबके कलर बतलाए गए हैं अलग अलग। हिमवन पर्वत गोल्ड का है, महाहिमवन पर्वत सिल्वर का है, फिर निषद पर्वत तपाए हुए स्वर्ण जैसा है। जब सूर्य इस निषद पर्वत को क्रॉस करता है तो हमारे यहाँ भरत क्षेत्र में दिन होता है, सूर्योदय होता है, और सूर्य जो उदय के काल में रेड कलर का दिखाई देता है, लालिमा से सहित दिखाई देता है, वो इस पर्वत की लालिमा का प्रभाव है उस सूर्य के विमान पर, इसलिए वो रेड कलर का दिखाई देता है। कलर उसका रेड नहीं है सूर्य का, आप देखिए दोपहर में देखते हैं तो येलो दिखेगा, पीले रंग का दिखाई दे रहा है। प्रातः काल और सूर्यास्त के समय उसका कलर ऐसा रेडिश क्यों दिख रहा है, लाल क्यों दिखाई दे रहा है? वो निषद पर्वत के कारण उसका वो कलर दिखाई दे रहा है। सूर्य का जो बिंब है हमारे यहाँ जैन परंपरा में, यह आग का गोला नहीं है, ये ज्योतिष देवों के विमान है। मुझे सुरेश जी साहब ने कहा, भैया जी कह रहे थे मेरे से कि आप वो सूर्य चंद्रमा वगैरह की चर्चा लेना, और देखते हैं कितना वहां तक हम पहुंच पाएंगे, है ना, कहां तक पहुंचे हैं ये वैज्ञानिक लोग। लेकिन कुछ ना कुछ चर्चा तो करूंगा कल जरूर उसके बारे में आपके बीच में। ये देवों के विमान है, ये सूर्य का जो विमान है इसमें प्रतीन्द्र रहता है ज्योतिष देवों का। ये मूल में ठंडा है, गर्म नहीं है, सूर्य का विमान शीतल है, उसकी जो रेस है किरणें हैं वो गर्म है। अपने यहां नामकरण की 93 प्रकृतियां कही है, उनमें एक प्रकृति का नाम है आतप। ये आतप नामकरण की प्रकृति का उदय एकमात्र सूर्य बिंब में मिलता है। एकेंद्री जीव है वो सूर्य का विमान, विमान एकेंद्री है, उसमें देव लोग रहते हैं, वे तो सबसे नहीं पंचेंद्रीय। तो देखिए जम्बूद्वीप की बात कर रहे थे, तीन पर्वत हो गए, एक हिमवन, एक महाहिमवन, एक निषद। सामने की साइड से पिक्चर लेते हैं तो नील, वो तीन उधर रह गए, है ना, हिमवन, महाहिमवन, निषद, उस तरफ रह गए। ये चौथा पर्वत आ गया नील, फिर पांचवा पर्वत रुक्मी और छठा पर्वत शिखरी। ये छह
छह महापर्वत हैं जम्बूद्वीप में, आप देख पा रहे होंगे इन छह महापर्वतों के कारण ये पूरा जम्बूद्वीप सात भागों में बट गया। छह पार्टीशन हो गए ना, जब किसी भी वस्तु को पार्टीशन रखेंगे, एक पार्टीशन रखा तो दो हिस्से हो गए, दो रखे तो तीन हो गए, तो छह रखे तो सात हिस्से हो गए, वे ही सात क्षेत्र कहलाते हैं। यहां सब मनुष्य गति के जीव रहते हैं सब जगह पर, यहां पर ये ऐरावत क्षेत्र है, अपनी साइड में भरत क्षेत्र था। अभी ये सात क्षेत्र कौन कौन से हैं और इनका क्या स्वरूप है, बहुत संक्षेप में चर्चा को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, बस पिक्चर देखते चले हम और थोड़ा आइडिया लगाते जाए कि हम कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं और दुनिया में क्या क्या है। देखिए जम्बूद्वीप का चित्र, ये चित्र आप लोगों ने देखा है कभी, ये वाला चित्र, इस चित्र की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे जैन मंदिरों के अंदर लगाया हुआ है, ये एमफिल करते समय मैंने बनाया था, 2005 की बात है, उस समय ये बहुत, इसके कलर भी उसी तरह के लिए गए हैं जहां जहां जिस जिस प्रकार का कलर है। अब इसमें देखिए छह पर्वत कहे, अभी जो छह पर्वत दिखाए थे ना उनको दूसरे प्रकार से दिखाया है, हिमवन नाम का पर्वत ये है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये रेड कलर के डॉट में आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा बारीकी से देखने का प्रयास करें, ये हिमवन नाम का पर्वत पूर्व से पश्चिम दिशा तक फैला हुआ, फिर महाहिमवन नाम का पर्वत ये पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ, फिर निषद नाम का पर्वत तीसरा पर्वत कहा था, फिर नील नाम का पर्वत, ये नील मणि के जैसा कलर है इसका, नील पर्वत, फिर रुक्मी पर्वत सिल्वर कलर है, और फिर उसके बाद में शिखरी पर्वत ये गोल्ड जैसा है। ये छह पर्वत हो गए और इन छह पर्वतों के कारण जो हिस्से बट गए हैं वे सब सात क्षेत्र हो गए। सात क्षेत्र नाम क्या है, पहले क्षेत्र का नाम है भरत, ये भरत है, हम लोग भरत क्षेत्र में रहते हैं, शाश्वत नाम है ये भरत क्षेत्र, हम लोग इसी भरत क्षेत्र में रहते हैं, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में रहते हैं। अभी हम भरत क्षेत्र में ले चलेंगे आपको, अभी हम भरत क्षेत्र के छह खंड दिखाएंगे, अभी हम आपको वहां तक ले चलेंगे जहां चक्रवर्ती सम्राट जिसकी विजय प्राप्त करता है, हम वहां तक ले जाने का प्रयास करेंगे आपको। आप देखिए पहले क्षेत्र का नाम भरत क्षेत्र, दूसरे क्षेत्र का नाम हेमवत, ये दो पर्वतों के बीच में है, हिमवन और महाहिमवन नाम के पर्वत के बीच में यहाँ लिखा हुआ है हेमवत क्षेत्र, जो नजदीक बैठे हुए हैं उन्हें दिख रहा होगा हेमवत क्षेत्र। फिर तीसरे क्षेत्र का नाम है हरि क्षेत्र, ये महाहिमवन और निषद पर्वत के बीच में है हरि क्षेत्र। फिर इसके बाद सबका प्रिय एक क्षेत्र दिखाई देता है, नाम सब जानते हैं, क्या नाम है, महाविदेह क्षेत्र, विदेह क्षेत्र है ये, निषद पर्वत और नील पर्वत के बीच में है, यह विदेह क्षेत्र का एरिया है पूरा। लेकिन उमा स्वामी आचार्य कहते हैं उत्तर गुरु और देव गुरु को छोड़कर, ये बीच का उत्तर गुरु देव गुरु का जो एरिया है ये भोग भूमि का एरिया कहलाता है, इस एरिया को छोड़ दो तो ये पूर्व विदेह क्षेत्र, इधर पश्चिम विदेह क्षेत्र, सीमंदर भगवान यहाँ मौजूद हैं इस पूर्व विदेह क्षेत्र की आठवीं नगरी में, यहाँ है सीमंदर भगवान वर्तमान में, पुंडरीकिणी नाम की नगरी है, पुंडरीकिणी है उस खंड का नाम, पुष्कलावती नगरी का नाम है, पुंडरीकिणी देश है वो, खंड है वो, उसमें भी छह खंड है, यहाँ समवशरण लगा हुआ है सीमंदर भगवान का, वर्तमान में समवशरण लगा हुआ है, देव लोग आकर के उनकी दिव्य ध्वनि का लाभ ले रहे हैं, जैसे यहाँ सीमंदर भगवान का समवशरण लगा हुआ है वैसे ही यहाँ युगमंदर भगवान का समवशरण लगा है, वैसे ही इधर बाहु भगवान का समवशरण लगा है, ऐसे ही यहाँ सुबाहु भगवान का समवशरण लगा हुआ है। जम्बूद्वीप में चार तीर्थंकर मिनिमम होते ही होते हैं, चार से कम कभी नहीं होते। आप कहेंगे साहब हमने तो 20 सुने हैं, तो भाई ये अकेले जम्बूद्वीप में नहीं, अढ़ाई द्वीप में 20 है। हम अभी जम्बूद्वीप की बात कर रहे हैं, जम्बूद्वीप जैसा ही बाहर निकलकर
धातकी खंड है, वैसा ही और बाहर निकलकर पुष्कर द्वीप है, वहां और दूसरे तीर्थंकर हैं। ये मिनिमम चार तीर्थंकर हैं यहाँ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि विदेश क्षेत्र जाएंगे तो कितना मजा आएगा। अभी मेरे पास में अवसर नहीं है, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बतलाता कि विदेश क्षेत्र जाने में कितना आनंद है। अनंत बार जाकर के आया है विदेश क्षेत्र में, लेकिन देह से भिन्न वैदेही को नहीं देखा। क्या ये विदेह को नहीं देखा? अनंत बार जाकर के आया। एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है विदेश क्षेत्र का जिस प्रदेश पर हमारा जन्म मरण नहीं हुआ हो। अनंत बार हमने जन्म नहीं लिया हो, एक भी प्रदेश नहीं। अनंत बार केवली परमात्माओं की दिव्य ध्वनि जाकर के सुनिए। अनंत बार आप ये भी कह सकते हैं कि साहब हो सकता है हम नित्य निबोध से निकले हों और अभी तक हमने नहीं सुनी हो, ऐसा भी कह सकते हैं आप। सुननी पड़ेगी। जो जब तक यह जीव पंच परावर्तनों की तकलीफें नहीं भुगतता है, जब तक इसे दुख का भाव वासन नहीं होता है, तब तक इस जीव को वैराग्य नहीं आता, तब तक ये जीव मोक्ष मार्ग में कदम नहीं रख पाता है। तो चार तीर्थंकर इस विदेश क्षेत्र में मौजूद हैं। ये सेंटर वाला एरिया है विदेह क्षेत्र। फिर इसके बाद पर्वतों के बीच में एक और क्षेत्र है जिसका नाम है रम्य क्षेत्र। इसके बाद में है एक हिरण्यवत नाम का क्षेत्र, और इसके पश्चात जैसा भरत क्षेत्र दिखता था उसी की कॉपी मिरर इमेज कहते हैं जिसे हम, ये दिखाई देता है हमारे को ऐरावत क्षेत्र। ये सात क्षेत्र है। जैसा भरत की व्यवस्थाएं हैं उसी प्रकार से ऐरावत क्षेत्र की व्यवस्थाएं हैं। भरत क्षेत्र में जिस तरह से यहाँ स्वाध्याय चलता है, शिविर लगते हैं, पंचम काल चल रहा है आर्यखंड में, इसी तरह से यहाँ पर भी शिविर लगते हैं, आयोजन होते हैं। हमारी जैसी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले क्षेत्रोपशम वाले लोग यहाँ ऐरावत क्षेत्र में भी है, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई फर्क नहीं है। हाँ, कोई व्यक्ति ये कहे कि सब वहां भी डॉक्टर संजीव गोदा चला रहे हैं क्या, ऐसा नहीं है। मैंने पंडित जी कई दफा कहते हैं कि हमारे रहने की जगह दक्षिण भरत क्षेत्र, दक्षिण क्यों बोलते हैं? दक्षिण इसलिए कहा जाता है कि ये जो सुमेरु पर्वत है ना, इस सुमेरु पर्वत को नॉर्थ कहते हैं। अच्छा। सुमेरु पर्वत उत्तर है, ये नॉर्थ है। आप जानते हैं सूर्य चंद्रमा आदि सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा दे रहे हैं। अब बात उठ गई है तो थोड़ी सी बात कर लेता हूं। सूर्य चंद्रमा आदि इस सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा दे रहे हैं निरंतर। ये ज्योतिषियों के विमान हैं जो मेरु पर्वत से 1121 योजन दूरी से शुरू होते हैं और यहां से प्रदक्षिणा देना शुरू करते हैं तारे। सूर्यबिंब यहाँ, सूर्यबिंब की 184 गलियां हैं जो इस जम्बूद्वीप की बाउंड्री जिसे जगती कहा जाता है, इससे 180 योजन मात्र अंदर आकर सूर्यबिंब की पहली गली है। अब ये सूर्य यहाँ से गमन करता है इस तरह से, है ना, यहाँ से उदित होता है, इधर आकर के अस्त हो जाता है। मैं कभी कभी जब इस सूर्य के बारे में और दिन रात व्यवस्था के बारे में जब कक्षा लेता हूँ तो एक प्रश्न नॉर्मली पूछता हूँ लोगों से, बतलाइए सूर्य पूरब से उगता है या जिस दिशा से सूर्य उगता है उसे पूर्व कहते हैं, दोनों में से क्या सही है? आप कहेंगे पंडित जी क्या पागल समझ रखा है, एक ही तो बात है, एक ही तो बात है, सूर्य पूरब से उगता है, यह बात सही है क्या? सूर्य उगता ही नहीं, नहीं, यह बात सही नहीं, सूर्य पूर्व से उगता है ये बात सही नहीं है, तो सही क्या है? पश्चिम से उगता है। नहीं नहीं, सूर्य जिस दिशा से उगता है उसे पूर्व कहते हैं, उसे ईस्ट कहते हैं। अब आप कहेंगे साहब इसमें क्या बात हो गई, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई जो आप कह रहे हो कि नहीं, बहुत बड़ी बात है। क्या बात है विशेष? कि विशेष बात यह है कि हम यहां भरत क्षेत्र में रहते हैं ना, सूर्योदय यहां से होता है, इधर से, ये निषद पर्वत है, अभी बतलाया था मैंने, निषद पर्वत से सूर्योदय होता है। यहां जब सूर्य विमान आता है तो यहां दिन होता है, यहां से ये घूम रहा है सूर्य। दो सूर्य है जम्बूद्वीप में,
एक सूर्य यहाँ होता है उस समय दूसरा सूर्य यहाँ होता है नील पर्वत पर, एक निशन पर्वत के कॉर्नर पर, एक नील पर्वत के कॉर्नर पर। तो जिस समय यहाँ भारत क्षेत्र में दिन होता है निशन पर्वत से, उसी समय यहाँ ऐरावत क्षेत्र में भी दिन होता है। चलो मुझे तो यह कहना है कि ये सूर्य यहाँ से आगे बढ़ा, ध्यान देना ये सूर्य इधर से बढ़ा आगे, यहां तक आ गया और आगे बढ़ा, यहां तक चला गया, अब यहां से आगे बढ़ रहा है। इन विदेश क्षेत्र वालों के लिए ईस्ट कौन सा है? विदेश क्षेत्र वालों के लिए ये है ईस्ट, यहां से सूर्योदय हो रहा है इधर से, समझ रहे हैं आप? जब और आगे बढ़ा, समझ लो ये ऐसा भी कह सकते हैं इधर से वहां प्रकाश जाएगा इस तरफ से तो यहां होगा, ये होगी इनके लिए पूर्व। ऐरावत क्षेत्र वालों के लिए ये पूर्व हो गया क्योंकि सूर्योदय इधर से हो रहा है, समझ रहे हैं ना? ये पश्चिम विदेह वालों के लिए इधर से आने लग गया प्रकाश, यहां से चालू हो गया तो ये पूर्व हो गया, हमारे लिए ये पूर्व हो गया, समझ रहे हैं ना? दिशा बदलती चली जा रही है सबके लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग दिशा से दिशा को ईस्ट कहेंगे हम, हमारे लिए चूंकि ये ईस्ट है। अब प्रॉब्लम क्या है कि साहब ये दिशा कैसे बदल रही है? देखो सूर्य तो बदल रहा है लेकिन मेरु पर्वत ज्यों का त्यों है, इसलिए किसी भी एंगल से कहीं से भी देखो तो मेरु पर्वत को नॉर्थ कहने में आता है। अब बोलो आप देखिए ईस्ट की तरफ आप मुंह करके देखेंगे तो आपके लेफ्ट साइड में नॉर्थ होगा, सूर्य उगता है उस दिशा में आप मुंह कीजिए, आपके लेफ्ट साइड में क्या होगा? नॉर्थ होगा, पक्का? आप देखिए जैसे भारत क्षेत्र में है हम यहां, ये हमारे लिए ईस्ट है बराबर, राइट साइड में राइट से उग रहा है सूर्य, तो राइट की तरफ इधर हमने यदि मुंह किया तो ये हमारे लिए नॉर्थ हो गया बराबर, इधर वालों के लिए सूर्य यहां से होगा तो ये लेफ्ट साइड के अंदर ये नॉर्थ हो गया, ऐरावत क्षेत्र वालों के लिए भी नॉर्थ यही होगा, समझ रहे हैं ना? सबके मतलब मेरु पर्वत नॉर्थ कहलाता है, अब समझ में आया आपको? तो हम कहां हैं कि ये जो जम्मू द्वीप का जो नक्शा है, अब हमारी दृष्टि से हम बात करें तो नॉर्थ में तो है मेरु पर्वत, मेरु पर्वत नॉर्थ में है तो हम कौन सी दिशा में है? बोले साउथ में। तो ये भरत क्षेत्र है ना ये दक्षिण दिशा की ओर कहलाता है, हम हमारी अपेक्षा से दक्षिण कह रहे हैं, हो सकता है ऐरावत क्षेत्र वाले भी अपने आप को दक्षिण में कहते हो। अब आप कहेंगे साहब ये जो आपने जो सेंटर को नॉर्थ कह दिया है इसका कोई प्रमाण है क्या आपके पास में? कि बहुत बड़ा प्रमाण है, बहुत बड़ा प्रमाण है, एक सेकंड में भी आप लोग सब स्वीकार कर लेंगे। वर्ष दो भागों में विभाजित है, एक साल में दो हिस्से हैं जो कहते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन, सुने आपने? छह महीने उत्तरायण होता है, छह महीने दक्षिणायन होता है, सुना है ये क्या है उत्तरायण और दक्षिणायन? सूर्य सूर्य के गमन करने के आधार पर। अब हमें मकर संक्रांति से उसका क्या होता है? उत्तरायण शुरू हो जाता है, मकर संक्रांति के बाद में वो सूर्य उत्तर में आना शुरू हो जाता है। अब सुनो क्या कह रहा हूं, अब ये जो सूर्य था ये सूर्य इस तरह से गमन करता है चारों तरफ, जब ये सूर्य गमन करते हुए बाहर की तरफ जा रहा होता है एक एक गली बाहर तो कहलाता है दक्षिणायन, बाहर जा रहा है मेरु पर्वत से दूर जा रहा है वो दक्षिण की ओर जा रहा है, समझ रहे हैं आप? और जब वो मेरु पर्वत के नजदीक अंदर अंदर आ रहा होता है वापस रिवर्स आना शुरू होता है अंदर मेरु पर्वत के पास तो उसे कहते हैं उत्तरायण, क्योंकि ये उत्तर है, उत्तर के पास में आ रहा है तो उत्तरायण और बाहर जा रहा है तो दक्षिणायन, ऐसा कहलाता है। समझ में आ रही है बात आपको? और इसी वजह से जो मानुष उत्तर पर्वत कहा जाता है ना, जो जिन लोगों को थोड़ी सी खबर होगी उनके समझ में आएगी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये बीच में दूसरा विषय आ गया था, मैंने वो मानुष उत्तर क्यों कहते हैं उसको, मनुष्य उसके उत्तर में जावे ऐसा नहीं जा सके, मनुष्य उसके उत्तर उत्तर में रहे इसका नाम मानुष उत्तर है। क्या समझ में आई बात? माने मानुष उत्तर पर्वत चारों दिशाओं में है, हम जहां बैठे हैं यहां से चारों दिशाओं में मानुष उत्तर पर्वत है और मेरु पर्वत सेंटर में, मेरु पर्वत नॉर्थ है, तो मानुष उत्तर पर्वत, मानुष पर्वत
के उत्तर में मनुष्य रहते हैं, माने सब उसके अंतर्गत रहते हैं, ले मानुष उत्तर के बात है। चलिए हम तो चलते हैं इनमें से भरत क्षेत्र की तरफ, समय हमारे पास में सीमित है, फटाफट हम भरत क्षेत्र देखो। ये जो चित्र है इस चित्र को काट के आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, ज्ञान भी कटता है भाई, है ना। चित्र को पीस किए जा सकते हैं, देखो इसको थोड़ा सा हमने पीस कर लिया तो ये आ गया हिस्सा, अब थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा। देखो ये जो हिस्सा था ना, हिमवन पर्वत, हिमवन पर्वत, इस पर्वत के ऊपर सरोवर है, छहों पर्वतों के ऊपर आपको सरोवर दिख रहे हैं, इन सब से नदियां बह रही है। हिमवन पर्वत के नीचे का हिस्सा थोड़ा सा हमने इनलार्ज करके, बड़ा करके, काट के आपके सामने यहाँ प्रस्तुत कर दिया, तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। कुछ क्लियर दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, क्या दिख रहा है? ये हिमवन नाम का पर्वत, ठीक है, ये पूरा पर्वत है। इस पर्वत के ऊपर 11 बूटे हैं, हिमवन पर्वत के ऊपर, बीच में पद्म नाम का सरोवर है। इस पद्म सरोवर से 3 नदियां बह रही है, एक का नाम है गंगा, ये गंगा नदी बह रही है, दूसरे का नाम है सिंधु नदी, इधर बह रही है पश्चिम दिशा की ओर, एक है रोहितास्या, रोहित बहती है पूर्व दिशा में, रोहितास्या बहती है इस पद्म सरोवर से जो पश्चिम दिशा की ओर जाती है, हेमवत क्षेत्र में ऊपर जाती हुई सी दिखाई दे रही है। अब देखिए जो दोनों नदियां निकल रही है, ये दोनों नदियां निकलती हुई हमारे इस भरत क्षेत्र के बीच में एक विजयार्ध नाम का पर्वत है, विजयार्ध पर्वत। इसकी विस्तार से चर्चा विजयार्ध पर्वत की हम रात्रिकालीन सेशन में करेंगे, विजयार्ध पर्वत और 6 खंडों की भी विस्तृत चर्चा। अभी तो आपको संक्षेप बतला रहा हूं मैं कि ये क्या क्या इसका स्वरूप है। तो इस विजयार्ध नाम के पर्वत और एक गंगा नाम की नदी और एक सिंधु नाम की नदी, इन दो नदियों और एक पर्वत के कारण ये पूरा भरत क्षेत्र 6 भागों में बट गया। ख्याल में आ गई क्या? ये 6 हिस्से हो गए, एक हिस्से का नाम है आर्यखंड और 5 हिस्सों का नाम है म्लेच्छखंड। कुछ ख्याल में आ रहा है? हम लोग आर्यखंड में रहते हैं। देखिए कहां से चले आ रहे थे, पहले जम्बू द्वीप था पूरा, है 3 लोक पे, 3 लोक में मध्य लोक, मध्य लोक में असंख्या द्वीप समुद्र, उसमें जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप के अंदर एक क्षेत्र उसका नाम भरत, फिर भरत के भी 6 हिस्से हो गए, इसमें आर्यखंड, अब आर्य में भी यहाँ होगी अपनी दुनिया, अभी देखेंगे अपन और आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। देखिए अभी जो हमारा जो डिजिटल जो वर्क चल रहा है उसके कुछ पिक्चर्स मैं आपको इस भरत क्षेत्र के संबंध में दिखाना चाह रहा हूँ, जहाँ जहाँ हम फिर उसका लास्ट में 5 मिनट 4-5 मिनट में मैं उसका वीडियो आपको दिखाऊंगा, जो मूवी वीडियो है जो बन रहा है, जो लॉन्च किया था अभी मैंने 1.5 महीने पहले। देखिए ये दृश्य कुछ दिख रहा है आपको, कुछ समझ में आ रहा है? ये हिमवन नाम का पर्वत है, ये ग्रीनरी दिख रही है पहाड़ के ऊपर, ग्रीन शेड दिख रहा है, ये अपने को यहाँ से सामने से पर्वत दिखाई नहीं दे रहा है, 100 योजन की हाइट पर है ये पर्वत, बीच में एक पद्म नाम का सरोवर है। थोड़ा सा नजदीक से देखेंगे, थोड़ा सा नजदीक से, अब थोड़ा सा क्लियर दिखा, कुछ थोड़ी सी क्लियरिटी हुई, अभी अभी थोड़ा सा और क्लियर करेंगे, और पास में आए, और पास में देखो कुछ और क्लियर दिखा थोड़ा सा, तो ये नहीं, ये ज्यादा क्लियर था, ये ज्यादा क्लियर है, चलो इसमें देखो। अब ये कह रहे हैं बीच में तो है हिमवन पर्वत के ऊपर पद्म सरोवर, देख रहे हैं? इस पद्म सरोवर से 3 नदियां बहती हुई गई, एक तो चले गई दूसरे क्षेत्र में, रोहितास्या नदी थी उसको छोड़ दो, और 2 नदियां बह रही है अपने यहाँ जो भरत क्षेत्र की तरफ आ रही है। हिमवन पर्वत के ऊपर पद्म सरोवर से एक गंगा नाम की नदी और एक सिंधु नाम की नदी, ये नदियां बहती हुई भरत क्षेत्र की तरफ आती है और विजयार्ध पर्वत के नीचे से निकलकर लवण समुद्र में जाकर के मिल जाती है। ये लवण समुद्र है बाहर, ये पानी है पूरा। देखिए आप इन्हीं दृश्यों को थोड़ा सा, इस सरोवर को थोड़ा सा और नजदीक से दिखाता हूं। ये है पद्म नाम का सरोवर,
क्लियर दिख रहा है थोड़ा सा? पद्म सरोवर ये दोनों साइड में द्वार हैं और यहां से निकल रही है नदियां पद्म सरोवर से। इस पद्म सरोवर के सेंटर में एक प्रमुख कमल है, मुख्य कमल। उस कमल के ऊपर एक महल है, दिख रहा है आपको? देखा आपको कमल और महल? ये देखो आप, ये आप नजदीक से दिखा आपको, दिख रहा? ये सरोवर का एक कमल है। इस कमल में ऊपर महल बना हुआ है और इस महल में एक देवी रहती है, उसका नाम श्री देवी है। ये मरने के बाद नहीं गई है वहां पे, ये आपकी वाली श्री देवी नहीं जो अभी मर गई थी, ये दूसरी है, इसका नाम भी श्री देवी है। अब नाम है उसका, श्री उसका नाम है, देवी तो उसकी पर्याय है, है? तो देवी पर्याय में है, उसका नाम श्री देवी है। ये जो छह सरोवर कहे ना, अभी छह पर्वत कहे थे, हिमवन महाहिमवन आदि, इन छह पर्वतों के ऊपर अलग अलग सरोवर है, पद्म महापद्म तिंगिच केसरी महापुंडरी पुंडरी, और सभी सरोवरों में इस प्रकार के कमल है और कमलों के ऊपर देवी। और नजदीक से देखो थोड़ा सा, अब देखो आप दिख रही होगी आपको यहाँ देवी विराजमान, दिख रही है आपको? ये श्री नाम की देवी है यहाँ बैठी हुई, ये परिवार सहित रहती है। सामानिक परिषद कहा, पल्योपम आयु है कि एक पल्योपम, तत्वार सूत्र के अंदर सूत्र है, तीसरे अध्याय की चर्चा है, श्री ही रति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी पल्योपम स्थितियो सामानिक परिषद कहा, ऐसा ऐसा सूत्र है ना तत्वार सूत्र में। तो देखिए, ये तो मैंने कुछ सरोवर की बात कही, थोड़ा सा बाहर आए अपन इस सरोवर से पुनः, तो ये जो सरोवर था, इस सरोवर में अकेला एक ही कमल नहीं है और एक ही महल नहीं है, 140,115 परिवार कमल और हैं, वहां भी महल है और वहां भी देव देवियां निवास करते हैं। ये जो देव देवियां हैं, ये यहाँ हिमवन आदि पर्वतों के ऊपर मौजूद, इसके अलावा बहुत सारी नंदीश्वर द्वीप वगैरह में हैं, बहुत सारी ये अपने नंदनवन आदि के ऊपर वहां पर भी हैं, सोमनाथ वन पर हैं। ये सब देवियां बाल तीर्थंकर की माता की सेवा करने के लिए आती हैं, ये देवियां उनकी सेवा करने के लिए आती है। जब बाल तीर्थंकर का जन्म होने वाला होता है, बाल तीर्थंकर जब गर्भ में होते हैं, तो माता की सेवा करने के लिए ये सब देवियां आती हैं। दिव्य रूप वाली होती हैं सभी, लेकिन भाई कैसी भी देव पर्याय क्यों नहीं हो, आखिर उसका अंत तो आता ही है। हम कल ले चलेंगे आपको स्वर्ग में भी जाना चाहेंगे तो, आप लोग चाहेंगे तो कल हम स्वर्ग की चर्चा भी कर लेंगे थोड़ी सी, नरक नहीं जाना किसी को। ये सब चार प्रकार के देवों में से कौन से प्रकार के हैं, तो इन्हें भवनवासी देव, भवनवासी देव नहीं व्यंतर समझना चाहिए, भवन नहीं व्यंतरवासी, ये सब व्यंतरवासी समझना चाहिए, क्योंकि ये मध्य लोक में रहते हैं। भवनवासियों के भवन तो निश्चित हैं, निश्चित संख्या है उनकी, 7,72,00,000 भवन हैं भवनवासियों के, और अधो लोक में पाताल विषय जिन मंदिर जानो, ऐसा बोलते हैं अपन लोग, तो 7,72,00,000 है अधो लोक में है, पाताल लोक में है, कल उसकी चर्चा कर लेंगे। आप कहेंगे तो नरक में चलेंगे और आप कहेंगे तो स्वर्ग में चलेंगे। पहले नरक में जाना था, कल नरक चलेंगे, तो अब फ्रेश वैसा ने कह दिया है तो कल पहले नरक में चल चलेंगे। मुझे मालूम है जाना कोई नहीं चाहता है, और यही कारण है कि मरने के बाद में भले ही नरक में गए हों, लोग तो नाम के पहले स्वर्गवासी लगाते हैं। कोई ये नहीं कहता कि ये नरकवासी हो, ये तो बहुत पापी था तो नरकवासी सज्जन, ऐसा ऐसा कोई नहीं कहेगा किसी के बारे में, सब ऐसी भावना बातें स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग, लेकिन भाई वो कैसा है स्वर्ग उसकी चर्चा करेंगे। तो भवनवासी जो देव हैं वे तो हैं अधोलोक में, यद्यपि व्यंतरों के भी बहुत सारे आवास अधोलोक में हैं, लेकिन मध्य लोक में भी असंख्यात जिनालय कहे गए हैं व्यंतरवासी देवों के, ज्योतिष और व्यंतरवासियों के, तो व्यंतरवासी समझने चाहिए, वैमानिक तो सब ऊपर रहते हैं।
कल थोड़ी बहुत और बात करेंगे। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहा हूं आपके बीच में। ये गंगा नदी का प्रवाह, ये वो गंगा नदी नहीं है जो गंगा नदी अपने यहाँ दिखाई देती है, हिमालय से निकलती है, वो नहीं है। ये सिंधु नदी भी वो नहीं है, क्योंकि इस गंगा नदी की 14,000 परिवार नदियां कही गई है। चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृत्ता गंगा सिंधवा देव नद्य है। चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृत्ता, 14,000 सहायक नदियां हैं इस गंगा नदी की। इस दृश्य को देखें, जहां ये हिमवन नाम के पर्वत से गिरती हुई दिखाई दे रही है, यहां आपको गौमुख दिख रहा है क्या? गौमुख से गिरती है यहां, जबकि नदी गिरती है तो दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा तो मैं सैटेलाइट से निवेदन करता हूं थोड़ा सा जूम करके दिखाए इस पर्वत को और इस एरिया को। अभी ये भरत क्षेत्र के 6 खंड देख रहे हैं हमारे को, और वापस थोड़ा गहराई से ये देखिए, ये दिख रहा है आपको हिमवन नाम का पर्वत, और ये गौमुख दिख रहा है, और यहां से नदी बहती हुई दिखाई दे रही, नीचे गिरती है, नीचे कुंड बना हुआ है, और वो जहां कुंड बना हुआ है वहां भी वो 60 योजन का कुंड है, फिर बीच में नगर बसा हुआ है, बीच में एक पर्वत है, पर्वत के ऊपर फिर एक देवी का महल है, महल के ऊपर भी एक जटाजूटधारी प्रतिमा विराजमान है, फिर वो जो प्रतिमा है उस प्रतिमा के ऊपर ये गंगा नदी का पानी जब गिरता है तो उसका अभिषेक करता हुआ आगे बढ़ता है। ये आगे नीचे म्लेच्छ खंडों में ये नदी बह रही है, ये गंगा नदी। ये देखो और थोड़ा सा नजदीक से देखो, अब थोड़ा सा क्लियर दिखाई दिया क्या? अब थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है, और थोड़ा सा पास में देखो, ये प्रतिमा दिख रही है और नीचे सारा स्वरूप है, पानी बहता हुआ दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? पानी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना? यहाँ से ये मुंह में से निकल रहा है, ये प्रतिमा के ऊपर आ रहा है, नहीं दिख रहा है किसी को भी? नहीं दिख रहा है, क्या बात करें, थोड़ा भाव से देखो तो दिखेगा, और भाव, अभी भाव बने नहीं, और गहराई से देखो, भाव बन रहे हैं आपके? सैटेलाइट से बोलिए, सैटेलाइट से बोले कि पानी गिरता हुआ दिखाए, चंद्र गिरता हुआ दिखाए, प्रतिमा का थोड़ा अभिषेक करती हुई ये गंगा नदी इस प्रकार से। ये तो एक्चुअल में क्या है, सारे पिक्चर्स लिए हैं, एक 3D के अंदर पूरा काम चल रहा है, 3D में जो काम चल रहा है उसमें पूरा मूविंग सहित है, पूरा जो वीडियो जो बन रहा है उसका एक ट्रेलर मैंने लॉन्च किया था 1.5 महीने पहले, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा, 4-5 मिनट का, 3-4 मिनट का वो वीडियो है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये उस वो जो वीडियो जो बन रहा है उस वीडियो के पिक्चर से है, ये मैंने अलग अलग शॉर्ट लिए उसको, और शॉर्ट लेकर क्योंकि करेक्शन करते रहते हैं ना, सुधार होते रहते हैं, करेक्शन होते रहते हैं, तो एक एक हिस्से को देखते हैं, बारीकी से देखते हैं, उसमें सुधार करते रहते हैं, तो पिक्चर्स को लेकर के मैंने ये तैयार कर दिया है आपको दिखाने के लिए, समझाने की दृष्टि से, है ना? ये सब होती है पिक्चर्स। देखिए और आगे बढ़े अपन, तो यहाँ ये गंगा कूट था ऊपर, ये हिमवन नाम का पर्वत है, और ये नदी यहाँ से बहती हुई ये नीचे प्रतिमा प्रक्षाल करती हुई थोड़ा सा आगे की ओर प्रस्थान कर रही है, जहाँ ये और आगे लिखी, ये और नजदीक से थोड़ा सा देखा अपन ने, बीच की प्रतिमा ही आगे बढ़ती हुई, बहुत सारे दृश्य हैं। जब ये नदी और आगे बढ़ती है तो बीच में कौन सा पर्वत था? एक विजयार्थ, विजयार्थ था ना भरत क्षेत्र में, सेंटर में हमारे 6 खंड का विभाजन करने वाला एक पर्वत था, उस पर्वत का नाम क्या था? विजयार्थ। उसका नाम विजयार्थ क्यों है? चक्रवर्ती की विजय आदि होती है, मैं शाम को चर्चा करूंगा चक्रवर्ती के वैभव के संदर्भ में, चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतता है, वो 6 खंड उसका वैभव, विजयार्थ पर्वत, विजयार्थ पर्वत के ऊपर स्थित चैत्यालय, अकृत्रिम चैत्यालय, विद्याधर कहाँ होते हैं, कैसी नगरियां बसी हुई है, ये सब बहुत चर्चा करने वाला हूँ शाम के सेशन में विस्तार से। देखिए आप अभी विजयार्घ पर्वत के नीचे से बह रही है ये नदी, ये बीच में विजयार्घ नाम का पर्वत है, इस विजयार्घ पर्वत के नीचे से बही ये नदी, और ये बहती हुई जब और आगे चलती है तो इसी विजयार्घ पर्वत के अंदर क्या दृश्य है? इस विजयार्घ पर्वत के नीचे 2 सीर चल रही है पानी की। सीर जानते हैं आप, गुफाओं में से ऐसे निकल करके जहां से पानी पानी की धाराएं बह रही है 2 साइड से, झरने जैसा, तो क्या कहें पर्वत के अंदर ही चल रहा है, सीर चल रही है वो अंदर अंदर पानी की धारा चल रही है। हमने टेनेसी में देखा, रूबी फॉल्स आपने देखा टेनेसी में, अमेरिका में
एक जगह है चैटानूगा में, चैटानूगा सिटी का नाम है, वहां हमने रूबी फॉल्स देखे। वो पहाड़ों के अंदर एक दो किलोमीटर अंदर चले जाते सर, पहाड़ों के नीचे अंदर अंदर अंदर, और वहां अंदर जाकर के वहां पानी गिरता हुआ दिखाई देता है। पहाड़ी है, नेचुरल है, वो मैन मेड नहीं है, किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। तो इसी तरह से इस विजयार्घ पर्वत के नीचे भी दो नदियां बहती है, एक का नाम है उन्मग्न और एक का नाम है निमग्न। उन्मग्न और निमग्न नाम की दो विशेष नदियां इस गंगा नदी में आकर के मिलती है अंदर अंदर जाकर के। अभी जब ये मूवेबल आएगा तब तो हम इस नदी के अंदर जाएंगे, यहाँ अंदर जाएंगे, अंदर जाकर के दिखाएंगे। फिर भी अंदर का एक चित्र लिया है, ये इस तरह का दृश्य, ये गुफा जैसी होगी ना, ये गेट दिख रहे थे ना आपको विजयार्घ की, जो ये गेट दिखाई दे रहे हैं, इस गेट से अंदर गए तो यहाँ एक आपको ये गुफा जैसी दिख रही है, यहाँ से नदी बहती हुई अंदर से आती है, उन्मग्न और निमग्न नाम की नदी। ये और नजदीक से देख लो ऐसा, ये और नजदीक से इस तरह से कुछ, और थोड़ा सा नजदीक कर लो। ये इन नदियों के काम क्या है, उन्मग्न नाम की जो नदी है ये भारी से भारी पदार्थ को भी डूबने नहीं देती, उछाल करके बाहर निकाल देती है। पत्थर जैसे बड़े बड़े पदार्थ भी हो तो ये पदार्थ भी निकल करके बाहर चले जाते हैं इसमें गिरे तो। उन्मग्न नाम है इसका। और एक है निमग्न नाम की नदी, उस निमग्न का क्या नाम है, हल्की से हल्की वस्तु जैसे पत्ता पेपर जो तैरते हो उनको भी नीचे डूब जावे वो समा जाती है अंदर। ऐसी दो नदियां अंदर से बहती हैं और ये सब बह रही थी। ये विजयार्घ नाम का पर्वत था, वो हिम्मत पर्वत से ये गंगा नाम की नदी प्रारंभ हुई और ये प्रारंभ होती हुई यहाँ नीचे कुंड में गिरती हुई। ये दोनों साइड में हो गए म्लेच्छ खंड, दोनों साइड में म्लेच्छ हैं, बीच में विजयार्घ पर्वत और यहाँ ये एरिया है आर्य खंड का और इस तरफ आएगा म्लेच्छ खंड। तो यहाँ से ये नदियां निकल करके वो लवण समुद्र में जाकर के मिल जाएंगी। ये वापस आ जाते हैं अपन इस दृश्य के पास। हाँ बोलिए। हाँ आपका ये प्रश्न है, देखिए जो चित्र दिख रहा है ना, नहीं सब होते हैं, सब जगह पर हैं। आपका प्रश्न ये है आर्य खंड के लोगों में और म्लेच्छ खंड के लोगों में क्या अंतर है। देखिए भाई, रंग रूप की दृष्टि से, आकार प्रकार की दृष्टि से, हाइट वगैरह की दृष्टि से कोई फर्क नहीं है। जैसा आकार प्रकार, जैसा हमारे यहाँ दिखाई देता है, लंबाई चौड़ाई क्षेत्र आयु भी लगभग उतनी ही, ऐसी ही म्लेच्छ खंडों में भी है। लेकिन म्लेच्छ खंडों में संयम नहीं कहा, म्लेच्छ खंडों को संस्कारित नहीं कहा, म्लेच्छ खंड वाले जीवों के मुक्ति नहीं कही। असी मसी कृषि वहां भी होते हैं, अनार्य जैसे होते हैं वो लोग, आर्य नहीं है वो लोग, थोड़े से पापमय, थोड़ी सी उनकी प्रवृत्ति जैसी दिखाई देती है, इसलिए नरक तिर्यंच से आते हैं और नरक तिर्यंच में ही वे चले जाते हैं, है ना। मैं वो 3-4 मिनट वीडियो दिखा दूँ, दीदी वगैरह को जाना है शायद, है ना, मैं 3 मिनट का वीडियो दिखा देता हूँ, फिर थोड़ी चर्चा करता हूँ आपके म्लेच्छ खंड वगैरह के बारे में, सिर्फ 3 मिनट। इसके जस्ट आगे वाली स्लाइड पर देखिए आप, ये देखिए सिर्फ 3 मिनट का वीडियो। चालू हो गया क्या? पूरी कमेंट्री है इसके ऊपर, मेरी यूट्यूब पर अवेलेबल है, वहां से भी देख सकते हैं। चलिए दृश्य देख लीजिए सिर्फ। हाँ चलिए कोई बात नहीं, मैं करता जाता हूँ। क्या ये जो विश्व दिखाई दे रहा है ये असली है? ये विश्व कितना असली हो सकता है? ये कैसे संभव है कि हम जिस दुनिया को देखते हैं वो दुनिया असली नहीं है, वास्तविक नहीं है? इस वीडियो को देख लेने के पश्चात आप अपनी पुरानी मान्यता को तोड़ देंगे कि ये दुनिया वास्तविक है। तो हम चलते हैं, दृश्य यह है 3 लोक।
पूरा म्यूजिक सही था और पूरा उसके अंदर कमेंट्री सही था। इस विषय का जो आधार है वो तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी और परम्पराचार्यों द्वारा लिखी गई जनवाणी है। ऊपर से चलते हैं अभी हम, ये तीन लोक है और इन तीन लोक को जब हम देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है, घुमा करके चारों तरफ से देखें तो ये दृश्य बीच में त्रस नाड़ी आपको दिखाई दे रही है। सेंटर में है त्रस नाड़ी जहाँ सिर्फ त्रस जीव रहते हैं, स्वर्ग नरक आदि की रचनाएं हैं। इसी तीन लोक की रचना को हम एक बार अंदर चल के देखेंगे तो हम ऊपर चलते हैं तीन लोक के शिखर पर और यहाँ से अंदर नीचे की तरफ उतरने का प्रयास करते हैं। देखिए ऊपर से जब नीचे उतरने का प्रयास किया तो हमें सबसे पहले वहाँ मिले सिद्ध परमात्मा। ये सिद्ध शिला जहाँ सिद्ध शिला गोलाकार है और अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा मौजूद है, यहाँ से सिद्ध परमात्माओं से नीचे उतरते उतरते फिर ये सब देवों के विमान। और सेंटर से जब हम पिक्चर लेते हैं तो हमारे को दिखाई देता है मध्यलोक, मध्यलोक के असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र। अब आपको पता लग रहा है अपने सैटेलाइट से पिक्चर लिए, ये सब पिक्चर्स लिए थे, इसमें से नीचे उतरते हुए हमें यहाँ तक आ गए और ये यहाँ वही नदियाँ बहती हुई नजर आ रही है और ये चलते चलते हम आ गए हैं यहाँ भरत क्षेत्र तक जिसमें विजयाद पर्वत के इधर अपनी दुनिया दिखाई दे रही है और पीछे लवण नाम का समुद्र है। तो ये सब भरत क्षेत्र, फिर हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, इसी तरह से आगे बढ़ते हुए ये सारा विदेह क्षेत्र, फिर राउंड लगा करके जब हम देखते हैं दूसरी साइड से तो विदेह क्षेत्र के बाद में ये रम्य क्षेत्र, फिर हिरण्यवत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। इस तरह से रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत ये सात क्षेत्र दिखाई देते हैं। और देखिए अभी मेरू पर्वत के ऊपर चले अपन तो कितना ऊपर जाकर के है ये मेरू पर्वत, चलते 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 ऊपर पहुँचते हुए ये एक और कटनी आ गई और ये पहुंच गए मेरू पर्वत के शिखर पर जहाँ हमने देखी थी चार शिलाएं विदिशाओं के जनालय। ऐसे सब ये ऊपर से दिया गया चित्र है, इन सब के ऊपर काम चल रहा है अभी, इसमें छोटी छोटी सी कमियां या सुधार होने भी बाकी हैं बहुत सारे, लेकिन मुझे इसको मजबूरी में लॉन्च करना पड़ गया था क्योंकि ऐसे ही मैं दिखा रहा था आपके अहमदाबाद में ही और किसी ने वीडियो बनाया और उसे सब जगह भेज दिया, तो मैंने कहा फिर प्रॉपर वे में ही अपन डाल दो फिर जो भी है, तो फिर वो वॉइस के साथ में मैंने उस चीज़ को लॉन्च कर दिया उसको। तो ये इस तरह से ये ट्रांसपेरेंट है, ये बहुत संक्षिप्त सी चर्चा ये आपके बीच में, ये तीन लोक संबंधी ये दृश्य आपको यहाँ दिखाए गए हैं। तो इस तरह से पूरा बन करके एक एक दृश्य दिखाई जाएंगे और बारीकी से इसके संदर्भ में और विस्तार से चर्चा होगी जिसमें एक एक दृश्य बहुत क्लियर होंगे। ये जो वीडियो है ये कमिंग सून जल्दी आने वाला है पूरा बन करके, और यह सब जो दिखाया है आपको ये यूट्यूब पर अवेलेबल है मेरे चैनल पर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चित्र क्या करे, ये जो पूरा जो लोक जब दिखता है तो उसको अलोक में जाकर के दिखाना पड़ेगा बाहर जाकर के, क्या करे अभी, क्योंकि जो बनाने वाले है ना वो बनाने वाले जैन नहीं है, सब ये सब काम करने वाले जो लोग होते हैं लाखों रुपया लगता है और सब काम करते हैं एक एक चीज समझाने, लेकिन सब समझने लगे हैं धीरे धीरे। पिछले दो एक साल के अंदर उनको एक एक को बिठाया बुलाया, जयपुर बुलाया, कभी मैं बॉम्बे आया, कभी वहाँ गए आए, सब चलता रहा, ये सब चलता रहता है इस तरह का प्रोसेस। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम तो बात कर रहे थे आर्य और मृच्छखंड के संदर्भ में। आर्यखंड और मृच्छखंड के जीवों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ये पांच मृच्छखंड है, मतलब आर्यखंड तो यहाँ है बीच में
और बाकी के पांच हिस्से जो हैं, ये पांच हिस्से कहलाते हैं म्लेच्छ खंड, एक आर्य खंड। अभी देखिए इसमें पूरी दुनिया दिखाई दे रही होगी आपको, दिख रही है? ये तो अपन उसमें दिखाएंगे, अभी दुनिया उसमें दिखाई थी, थोड़ा सा बीच में उठा हुआ जो हिस्सा है, मतलब पृथ्वी के किस तरह से चक्कर लगाते हैं, क्या स्थिति होती है। आप कहेंगे कि ये भी चर्चा हम शाम के सेशन में थोड़ा सा ले लेंगे कि मैंने ये जो गोल दिखती है बॉल की तरह दिखाई देती है, जैन दर्शन क्या मानता है, सैटेलाइट से पूरे पिक्चर ले रहे हैं ये लोग तो, नासा वाले पिक्चर ले रहे हैं, चांद के ऊपर विमान भेज रहे हैं, वहां से पिक्चर्स आ रहे हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है, और आप कह रहे हो कि पृथ्वी फ्लैट है। तो कैसी फ्लैट है और कितनी गोल है, कितने हद तक ये साइंटिस्ट लोग सही हैं और कितने हद तक ये आगम से मेल खाता है, ये सब चर्चाएं हम शाम वाले सेशन के अंदर करने वाले हैं। अभी तो इतना ही समझ लीजिए आप संक्षेप में कि गंगा नाम की नदी, और जैसा गंगा नदी का बहाव और स्वरूप बतलाया था गौमुख के साथ में, उसी तरह से सिंधु नदी का भी बहाव और स्वरूप इसी तरह से यहाँ बहता है। ये दोनों प्रकार की नदियां 14,000 सहायक नदियों के साथ में म्लेच्छ खंडों में गिरती है। इसके कारण ये म्लेच्छ खंड तीन भागों में बटे हैं, और आगे बढ़ती हुई ये सेंटर में एक विजयार्ग नाम का पर्वत है। इस विजयार्ग पर्वत की नीचे गुफाओं में से होती हुई ये नदी यहाँ बारीक आपको दिखाई दे रही है, ये आती हुई यहाँ लवण समुद्र में आकर के मिल जाती है, जिसके कारण ये दो हिस्से म्लेच्छ खंड और हो गए और एक आर्य खंड हो गया। इस आर्य खंड का विस्तार भी बहुत ज्यादा है, अभी म्लेच्छ खंड की संख्या 5 गुना ज्यादा है। जैसे 5 गुना म्लेच्छ यहाँ है, ऐसे 5 गुना म्लेच्छ विदेश क्षेत्र में भी है, धार्मिक नहीं है, ऐरावत में भी है, विदेश क्षेत्र में भी है। एक एक खंड में 5-5 खंड है म्लेच्छ, एक आर्य और 5 म्लेच्छ खंड, विदेश क्षेत्र में भी ऐसी पोजिशन बनती है। धर्म नहीं है, धार्मिक वातावरण नहीं है, लोग पापी लोग ज्यादा है। मैंने बताया था कि नरक त्रियंच गतियों से ही यहाँ आए हैं, और यहाँ से भी नरक त्रियंच में ही जाने वाले दिखाई देते हैं। भेद विज्ञान कदाचित किसी जीव को हो जावे, क्योंकि शास्त्रों में म्लेच्छ खंड में 4th गुण स्थान तक का सद्भाव कहा है। अब हम क्या कहें, लिखा है क्योंकि कर्णानुयोग का कथन है, बारीक से बारीक कथन भी पकड़ता है, हजारों लाखों अनगिनती जीवों में से एकाध को भी हो जाए तो कर्णानुयोग ये कहता है हो सकता है, ये संभव है, ऐसा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वहां म्लेच्छ खंड में 4th गुण स्थान तक होता है, संयम नहीं होता, 5th गुण स्थान नहीं होता, मुनि नहीं होते, साधक नहीं होते, आराधना करने वाले नहीं होते, मुक्ति की प्राप्ति करने वाले नहीं होते। हमने हमारा अनंत काल उन म्लेच्छ खंडों में बिताया है, उन म्लेच्छ खंडों से निकलकर ये आर्य खंड में आकर के जन्म ले लेना अपने आप में एक बहुत बड़े भाग्य की बात है। भाग्यशाली होते हैं ये आर्य खंड में आकर के जन्म लेते हैं। देखिए ये चित्र मुझे मिला था, एक हस्तिनापुर से प्रकाशित था, ये मैंने यहाँ एक दुनिया का नक्शा दिखाने की दृष्टि से, ये 6 खंड दिख रहे हैं इसमें भी, ये यहाँ एक पद्म नाम का सरोवर, दो नदियां बहती हुई दिखाई दे रही है, बीच में विजयार्ग नाम का पर्वत है, और ये दोनों नदियां इस पर्वत के नीचे से निकल रही है। यहाँ ये आर्य खंड है, और एक म्लेच्छ खंड, दूसरा म्लेच्छ, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 म्लेच्छ खंड है, और बीच में आर्य खंड है, जिसमें देखिए आप सब दिखाई दे रहे हैं, जरा ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है, अफ्रीका दिखाई दे रहा है, अमेरिका आ गया आपका, महेंद्र भाई कहाँ है आपका बंगला, हमें तो दिखी नहीं रहा। अभी ये इतना बड़ा नक्शा तो दिखा दिया गया है, वास्तव में इतना बड़ा है ही नहीं, ये डॉट में पूरी दुनिया आ जाए इतना बड़ा है। अब कितना चक्रवर्ती सम्राट का राज्य होगा, और हम कहाँ रह रहे हैं, इन सारे प्रकरणों को समझने से वैराग्य आता है, इन सारी बातों को देखने से हमारे को केवल ज्ञान की महिमा आती है। ये बातें किसने बतलाई है, इन बातों को कौन बतलाए, ये केवल ज्ञानी भगवान सर्वज्ञ परमात्मा के माध्यम से कही गई बातें हैं ये सब। हमें सर्वज्ञता की महिमा आवे, हमें अपने सर्वज्ञ स्वभाव की महिमा आवे वहां से उतरते हुए, क्योंकि एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय है, वहां से उतरते उतरते भाई साहब यदि हम अपने स्वभाव तक आ जावे, तो जो लोग आपने अभी यहाँ एनिमेशन में देखा था,
3D में देखा था, वो लोग अल्प काल में आपके केवल ज्ञान में, आपके केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष हाथ पर रखे हुए आने की तरह, लेकिन उन सब का कार्य और उन सब कार्यों की सिद्धि एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव के अवलंबन से होती है। सारे जगत से दृष्टि हटाकर जब हमारी दृष्टि हमारे अपने आत्मा पर आती है, अपने स्वभाव पर केंद्रित होती है, तभी हमें उन अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। हम अल्प काल में इस लोक के स्वरूप को जानकर लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान हो जावे, इसी भावना से बात को यही।